अस्सलामुअलैकुम। बीएस फर्स्ट सेमेस्टर, इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक मैस वेस्टिंग। इससे पहले हम लोग इंटरनल प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं जिसमें अर्थक्वेक और वल्केनिसिटी था, और नेक्स्ट हमने अब एक्सटर्नल प्रोसेसेस पढ़ने जिसमें हमने वेदरिंग और पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो मैस वेस्टिंग है। तो वेदरिंग एजेंट्स जो थे वो रॉक्स को डिफॉर्मेशन डिस्टिंग्रेशन करते थे, उनकी डिफॉर्मेशन करते थे, ठीक है, लेकिन वो मटीरियल को मूव नहीं करते थे। अब मैस वेस्टिंग जो है स्लाइटली डिफरेंट है उससे कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ मटीरियल, यानी जो पहले से इरोड मटीरियल होगा अर्थ मटीरियल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसमें जो है मूव कर जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, इस कॉल्ड मैस वेस्टिंग और मैस मूवमेंट। मैस का मतलब होता है आपका मटीरियल बहुत ज़्यादा तादाद में जो मौजूद हो किसी भी जगह पर, ठीक है। तो इसके लिए जो है इन दिस प्रोसेस द मटीरियल ऑफ द अर्थ सर्फेस आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेदरिंग में जो था ये नहीं होता था, मूवमेंट नहीं होती थी मटीरियल की, लेकिन इस प्रोसेस में मैस वेस्टिंग में मटीरियल्स ऑफ द अर्थ सर्फेस आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सच मूवमेंट्स आर यूज इन एवरीडे लैंग्वेज सच एज लैंड स्लाइडिंग, जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स मूव कर जाते हैं स्लोपी एरियाज से डाउन स्लोप की तरफ। अक्सर आपने माउंटेनियस एरियाज में सुना होगा कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो गई है, यानी कि एक बहुत बड़ी स्लोप यानी पहाड़ के ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं बड़े बड़े, ठीक है। एवलेंचेज यानी कि आपने बर्फानी इलाकों में सुना होगा कि एवलेंच जो है वो बर्फ का एक बहुत बड़ा तोता होता है जो स्लाइड करता हुआ एकदम से यानी कि सडन मूवमेंट के तौर पर वो नीचे की तरफ आ जाता है। रॉक डेब्रिस के उसमें नहीं होता, बिल्कुल आइस मटेरियल होता है, बट ऑल्सो स्नो एंड आइस, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ मैस मूवमेंट इज़ द इम्परसेप्टिबल डाउन स्लोप क्रीप ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल जो होती है जब रन ऑफ होता है बारिश हो बहुत ज़्यादा या दरिया बह रहा हो तो ऊपर से एक लेयर को उठाकर पूरी की पूरी को ले जाता है, तो ये भी एक मैस मूवमेंट है। बिकॉज इन दिस प्रोसेस ऑफ मैस वेस्टिंग मूवमेंट टेक प्लेस, यानी कि अब इस मैस वेस्टिंग के यानी कि जो वेस्ट हो रहा है मटेरियल एक किस्म का, ठीक है, उसके लिए हमें उसमें मूवमेंट जो है वो टेक प्लेस होती है। डेट्स वाई इट्स बेटर मैस वेस्टिंग की बजाय मैस मूवमेंट्स का वर्ड यूज़ करें, ठीक है। और मैस मूवमेंट्स की रीजंस क्या होती हैं, देर आर वेरियस रीजंस दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द रॉक मटेरियल्स। इफ़ वेदरिंग प्रोसेसेस लूजन अ जॉइंट ब्लॉक फ्रॉम फेस ऑफ अ ग्रेनाइट एस्कार्पमेंट इज इट फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल्स दैट ब्लॉक डाउन फ्रॉम दिस स्लोप, यानी कि एक बहुत बड़े पहाड़ पे अगर वहाँ पे एक पत्थर बिल्कुल वेदरिंग एजेंट्स के थ्रू टूट फूट का शिकार हो रहा है, वहाँ पे क्रैक्स और जॉइंट्स डिवेलप हो रहे हैं, तो एक कोई एक ज़रा सा भी जो है वो अपना अलग होने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा कि ग्रेविटेशन पुल की वजह से वो नीचे की तरफ स्लोप के साथ साथ मूव करता चला जाएगा। दस अ न्यू टारगेट ऑफ वेदरिंग इज एक्सपोज्ड, ठीक है। एक्सपोज जो होती है वो फिर वेदरिंग क्या एजेंट्स क्या करेंगे, वो एक नया उनको रॉक्स मिल जाएंगी, न्यू रॉक्स, और वो उसको तोड़ना फोड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द ग्रेडेशन सिस्टम वुड बी स्लो डाउन एंड मैस मूवमेंट इज बूस्टेड बाई द फॉलोइंग बेसिक फैक्टर्स, ठीक है। और मैस मूवमेंट जो होती है वो चार पांच फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा एनहेंस कर जाती है, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल इसके लिए कंपलसरी है, उसके थ्रू ही मैस मूवमेंट होती है। नेचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा कि बहुत ज़्यादा भारी जो होगा वो फॉल करता है यानी गिरेगा डायरेक्टली, और जो दूसरा मटेरियल होगा उसके लिए स्लोपी होना, एंगल ऑफ रिपोज यानी स्लोपी होना जो है वो सरफेस का ज़रूरी होता है। वाटर एज अ ल्यूब्रिकेंट, और उसको स्लाइड करने के लिए या मूव करने के लिए ल्यूब्रिकेंट यानी पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है। क्विक क्ले सर्विस यानी कि क्ले अगर नेचर की मटेरियल होगा, मिट्टी वगैरह होगी, तो वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी या जल्दी पानी से फिल हो जाएगी, और वो जो है ना परकोलेट नहीं करती, पानी मिट्टी के अंदर जज़्ब नहीं होगा बल्कि भरा रहेगा, और वो इस तरह से स्लाइड करती हुई नीचे चली जाएगी। परमाफ्रोस्ट यानी कि अगर नीचे बर्फ़ की लेयर्स होंगी मोस्टली जैसे आइस कैप्स एरियाज हो जाते हैं अंटार्कटिका ग्रीनलैंड वगैरह में, तो वहाँ पर ये देखने में आती है कि नीचे आइस कैप नीचे बहुत ज़्यादा फ्रोजन आइस होती है और उसके ऊपर से मटीरियल स्लाइड करता हुआ चलता जाता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा देखने में आती है। फिर टाइप्स ऑफ मैस वेस्टिंग एंड और मूवमेंट, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सेटिस्फैक्ट्री टिपोलॉजी। टिपोलॉजी क्या होता है, किसी भी जगह की फिजिकल फीचर्स, ठीक है, टिपोलॉजी ऑफ मैस मूवमेंट्स। हम मैस मूवमेंट के थ्रू जो फीचर्स बनते हैं उसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है,
सम टाइप्स ऑफ मैस मूवमेंट्स आर रैपिड, बहुत ज़्यादा सडन हो जाती हैं एंड कॉन्स्पिशियस और एकदम से होती हैं, ठीक है, बट द एक्सटर्नल एंड ग्रेजुअल बल्कि अदर्स आर एक्सटेंट एंड ग्रेजुअल, यानी कि कुछ जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव करती हैं। द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड आर जनरली सिमिलर, ठीक है, बट द एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटी इन पर्टिकुलर द रेट ऑफ मूवमेंट आर क्वाइट वेरिएबल, यानी कि जो आपके फैक्टर्स हैं जैसे लुब्रिकेंट ऑफ वाटर, स्लोपी एरिया, क्विक फॉर्म ऑफ फ्रॉस्ट वगैरह, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल, ये तो कंपलसरी है, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट के अकॉर्डिंग, यानी मटेरियल के अकॉर्डिंग और मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये वेरिएबल यानी कि चेंजेस देखने में आती हैं, उनके थ्रू द फॉलोइंग फोर टाइप्स कैन बी रिकॉग्नाइज द डिटेल इज एज एंटर, यानी कि चार टाइप्स हैं आपकी, एक क्रीप यानी स्लो मूवमेंट, एक फ्लो रैपिड मूवमेंट, एक है स्लाइड मोर रैपिड मूवमेंट और फॉल यानी फास्टेस्ट मूवमेंट। आज जो हमने पढ़नी है वो है हमारी क्रीप मूवमेंट, यानी कि सबसे स्लो मूवमेंट जो हमें बहुत ही कम देखने में आती है, और एक बहुत अरसे के बाद हम जब देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये हमारी क्रीप मूवमेंट थी।